नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी दगाबाज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जहाँ वफा होती है वहाँ वफादार मिल ही जाते हैं, लेकिन कई बार वफा होने के बावजूद भी वफादार नहीं मिलते। वफादार मिलते नहीं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान बेवफाई करने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हाँ, आज मैं जिस कहानी से आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूं, उस कहानी में प्यार भी है, वफा भी है और बेवफाई के साथ कुछ ऐसे तथ्य जुड़े हुए हैं जिन्हें देखकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है हरियाणा प्रांत के गुरुग्राम जिले की और इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से। फोन करने के बाद भी सूरज अभी तक नहीं आया, अब आएगा तो उससे बात भी नहीं करूं। समझता क्या है अपने आप को? आने दो उसे, उसे बताती हूँ। सॉरी कंगना, आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों देर हो गई? वो क्या हुआ? वो कर दो बहाना कि ऑटो का भाड़ा मिल गया था दूर का। हाँ हाँ, वही दूर का। देरी क्यों हो गई? क्यों? दरअसल आज मेरी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हो गई और बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई उससे। सच? हाँ, एकदम सच। वो एक नई फिल्म बनाने वाला है। तो तुमने उनसे मेरे बारे में बात नहीं की? तुम भी कमाल करती हो कंगना, इतना बड़ा मौका हाथ आया और मैं बात भी ना करूँ। मैंने तो तुम्हारा फोन नंबर और तुम्हारा फोटो भी दे दिया है उसे। जब भी उसकी कास्टिंग होगी वो तुम्हें बुलाएगा। ओह शिट, क्या हुआ? मैं उसका नंबर लेना भूल गया। कोई बात नहीं, मेरा नंबर तो है ना उसके पास। हाँ, तुम्हारा तो है ही। फिर तो वो मुझे जरूर फोन करेगा। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तुम रोज एक बार मुझसे पूछते और मैं रोज तुमसे एक बात कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. ओह, ये भी ना। डिस्टर्ब कर दिया। हेलो, तुम भी ना बेटा ही फोन करते हो। हाँ हाँ, आ रहो। जान, एक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। कहाँ? क्या हुआ सूरज? वो कुछ नहीं, जल्दी जाना है ना, वही सोच रहा था। तो जाओ ना, मैंने मना कब किया? ओहो जान, एक जरूरी काम भूल गया। क्या भूल गए? जरा अपना कान में पास लो। वैसे भी हम दोनों के अलावा इस कमरे में है कौन? दीवारों के भी कान होते हैं। यही तो प्यार है। कैसे हमारी मुलाकात हुई और प्यार हो गया। आइए बैठिए मैडम जी, मैं ले चलता हूँ। फोन उठाइए मैडम जी। आपने फोन नहीं उठाया? जरूरी नहीं था। किसका था? ओह सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मम्मी का था। आपकी लैंग्वेज से तो नहीं लगता आप यहाँ की रहने वाली हैं। हाँ, बिहार या झारखंड से भी नहीं लगती। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। चले चलो। रुको रुको, हाँ मम्मी, नहीं अभी नहीं मिली,
मैं किसी से एडवांस लेकर दे देती हूँ। ओके। आमिर खान के फैन लगते हो? ओ तेरी, सही पकड़े हैं। वो भी तो आमिर खान जैसा। अरे हाँ, आमिर खान से शक्ल भी काफी मिलती है, बस थोड़ा सा फर्क। फर्क? I mean different. डुप्लीकेट हो ना। वैसे आप किसकी फैन हो? मैं कंगना की। तो फिर आपका नाम भी कंगना ही होगा। तुम्हें कैसे पता? तुक्का मार दिया, सही लग गया। वैसे आप काम करती हो? हाँ। जहाँ खड़ी थी वहीं आसपास या कहीं और? वहीं, थोड़ी दूर एक कंपनी है। फिर तो ऑटो मिलने में बड़ी परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। कहिए तो मैं आ जाए करूँ, पिक भी कर लूंगा और ड्रॉप भी। ठीक है, अब चलो। क्या बात है मैडम, आप एकाएक उदास हो गई? नहीं तो। मुझे ऐसा लगा इसलिए पूछ लिया। कोई परेशानी है तो बताइए, शायद मैं किसी काम आ सकूं। अरे अरे अरे, आप तो रोने लगी। देखिए ऐसे रोइए मत, रोने से कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती। बताइए ना क्या बात है। मेरी मम्मी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मेरी मम्मी को अस्थमा है, वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पैसे नहीं भिजवाए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें कंटिन्यू ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन बिना पैसों के कैसे होगा? लेकिन कल तो आप कह रही थी कि पैसे भिजवा दूंगी उनको। मेरी कंपनी में एडवांस नहीं मिलता है, मम्मी को टाइम से मेडिसिन नहीं मिले तो। आप अपनी मम्मी का अकाउंट नंबर दीजिए। लेकिन तुम क्या करोगे? मैं मैनेज कर लूंगी। अरे दीजिए तो सही, कितने पैसे भेजूं तो काम चल जाएगा? 10,000। अच्छा लाओ लाओ, मैं कर देता हूँ। हाँ हो गया, 1 घंटे में अपनी मम्मी से फोन करके पूछ लेना। बाय कितना प्यारा है ना, सब लोग उससे कितना प्यार करते हैं। वो यहाँ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ रह ही नहीं पाती। मोहल्ले के बच्चों से भी कितना प्यार करता है। Thank you.
वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा दुल्हन का कमरा। इतनी देर क्यों हो गई आने में? अरे दोस्तों में फंस गया था यार। मतलब दोस्तों के सामने मैं कुछ नहीं हूँ? अरे नहीं मेरी जान, तुम तो मेरे लिए वो हो जिसके लिए मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। मैं ही मिली थी बनाने के लिए। बने बनाए को क्या बनाना, जाओ मुझे तुमसे कोई बात। अरे रुको रुको एक मिनट, फोटो किसने दो। अरे एक मिनट रुको रुको, अरे एक पोज, अरे अच्छी लग रही है, अरे एक तो पोज तुम्हारा इतना, प्लीज एक मिनट, इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा है, एक तो फोटो किसने दो। चीटर चीटर। चीटिंग करने में बड़ा मजा आता है, और मजा तब आता है जब तुम गुस्सा होती हो। सूरज तुम होल लाइफ मुझे ऐसे ही प्यार करना। करोगे ना? करूंगा बाबा, तुम्हें कोई शक? क्या है सूरज? लाल धागा ही तो है। ये लाल धागा नहीं है, ये वैलेंटाइन डे का धागा है। किसने बांधा है ये और क्यों बांधा है? कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? कोई नहीं। मैं मर गई थी क्या सूरज? मुझे सच सच बताओ किसने बांधा है धागा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। देखो तुम अपनी इस हंसी से मुझे बहला नहीं सकते। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, अगर तुम्हें मेरी किसी से दोस्ती नहीं पसंद तो तोड़ देता मैं ये धागा। नहीं अब क्या हुआ, तोड़ दूं? जानती हो सूरज मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ? पता है मैं हमेशा सोचती थी अगर मैं बड़ी हीरोइन भी बन जाऊँ ना तो भी तुमसे ही शादी करूंगी। अरे मेरे 8-10 बच्चों की मम्मी। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं मैं देखती। अरे छोटा आंटी आप? देख छोरा पिछले 2-3 महीना से देख रही हूँ रूम का किराया बहुत लेट दे रहा है। ऐसा नहीं है आंटी, यहाँ पे थोड़ी कमाई कम हो गई और वहाँ खर्चा थोड़ा ज्यादा इसीलिए, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए। मैं चिंता ना करती हूँ छोरे, 5 तारीख के जगह आज 10 तारीख हो गए, अब आगे से ऐसा ना चलेगा। ठीक है आंटी। कब दे रहा है मेरा किराया? बस 2-1 दिन में दे दूंगा। 2 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बड़ी चौटाला बनती फिरती है। आजकल तुम्हारे पैसे जाते कहाँ हैं सूरज? तुम ठीक से किराया भी नहीं भर पा रहे हो। आजकल तुम ज्यादा हिसाब लेने लगी हो। तो इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? तुम तो हमेशा सही ही होती हो, गलत तो मैं हूँ। अरे तुम तो गुस्सा हो गए, गलत तो मैं भी हो सकती हूँ। कब से कह रही हो प्रोड्यूसर से मिलवाओगे, प्रोड्यूसर से मिलवाओगे, कोई प्रोड्यूसर है भी या नहीं, या तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हो? प्रोड्यूसर ढूंढना कोई आसान काम है क्या? दिल्ली और गुड़गांव में बैठकर कोई आसान काम नहीं है प्रोड्यूसर को ढूंढना, पापड़ बेलने पड़ते हैं। जाओ ढूंढो। फोन उठाओ सूरज, प्लीज फोन उठाओ। हेलो सूरज, सूरज मैं कब से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, 6:30 हो गए, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। तुम कब आओगे सूरज, प्लीज जल्दी आओ। नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, रात को आऊंगा। मैं सब जानती हूँ सूरज, तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो ना,
प्लीज आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। इसने मेरा फोन कैसे कट कर दिया? क्यों रे छोरी, उस दिन छोरा ने कहा था दो दिन के बाद किराए दे देंगे, कहाँ है मेरा किराया? आंटी वो जिस दिन आप किराया मांगने आई थी उस दिन के बाद से सूरज अभी तक घर नहीं आया। सूरज घर नहीं आया? तू तो घर आती है ना, तू दे दे मेरा किराया। मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं है। अरे वाह, कमाल करती है छोरी, नौकरी पे जाती है और कमरे का किराया देने भर का पैसे नहीं है तुम्हारे पास। प्लीज आंटी, मेरे जो भी पैसे होते हैं वो मैं घर भिजवा देती हूँ अपनी माँ को। देख छोरी, अब ऐसा नहीं चलेगा, कमरे में रहना है तो टाइम से किराया दे दे, नहीं तो मेरा कमरा खाली कर दे, मैं किसी और को दे दूंगी, मेरा किराया तो टाइम से आ जाएगा। सूरज के आते ही मैं सारे पैसे आपको दे दूंगी। अभी तो तू कह रही थी उस दिन से आया ही नहीं। आंटी आज ही उसका फोन आया कि वो रात को घर आएगा, उसके आते ही मैं आपको किराया दे दूंगी। आप अंदर आइए ना आंटी। देख छोरी, मैं बैठने नहीं आई हूँ, और हाँ सुन, छोरा को आते ही कह देना कमरे का किराया दे, नहीं तो कमरा खाली कर दे। क्या वही सूरज है जो मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था? क्या ये वही सूरज है जिसने मेरी माँ के इलाज के लिए पलक झपकते ही 10,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था? दिल्ली और गुड़गांव में बैठकर कोई आसान काम नहीं है प्रोड्यूसर को ढूंढना, पापड़ बेलने पड़ते हैं, जाओ ढूंढो। नहीं, ये पहले वाला सूरज नहीं है, सूरज बदल चुका है। चाय लेने आई, तू आराम से सो रही। अब क्या हुआ? कहाँ थे इतने दिनों तक और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरे फोन में प्रॉब्लम आ गई थी कंगना, तुम जब भी फोन करती थी मैं उठाता था लेकिन तुम्हारी आवाज ही नहीं आती थी। बहाने मत बनाओ सूरज, शौचालय आंटी रोज आती है और तुम्हें पता है कि कमरे का किराया सिर पे चढ़ा जा रहा है, वो 4 लोगों के सामने बेइज्जती भी करती है। किराया दे दूंगा बाबा, टेंशन क्यों लेती हो? सुनो सूरज, तुमने मेरी मदद करके मुझे प्यार के जाल में फंसाया है, मेरे मन की बातें जानकर मेरी भावनाओं के साथ खेलते रहे, फिल्म की हीरोइन बनाने का सपना दिखाकर मेरे साथ जो मन में आया वो करते रहे, और मैं पागलों की तरह तुम पे विश्वास करती रही। अगर तुम मेरी हर बात मानती थी तो उसमें भी तुम्हारा मतलब था, मैंने तुम्हारी हर जरूरतें पूरी की है। हाँ हाँ, मेरी हर जरूरतों को पूरा किया है लेकिन उसके बदले तुमने मेरे जिस्म को नोचा है। हे भगवान, क्या सोचकर मैं आई थी, क्या हो गया? मैं पुलिस में जाऊंगी सूरज, रिपोर्ट करूंगी तुम्हारे खिलाफ। धमकी दे रही हो मुझे? क्यों समझना है समझू, तो खाली पेली धमकी मत समझना, मैं कर डालूंगी। जाओ करो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं जाऊंगा, तुम कौन होती है मुझे पूछने वाली? वाह, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? कमरे का किराया भर दो फिर जहाँ मर्जी है वहाँ चले जाना। लाया था पर तुमने धमकी दी ना, अब नहीं दूंगा, जो करना है कर लो।
तुमने मुझे धोखा दिया है सूरज, नफरत करती हूं मैं तुमसे। अपने को समझते क्या है? पहले टाइम से भाड़ा दे दिए, यहाँ तो महीनों भाड़ा ही नहीं देते। आज अगर भाड़ा नहीं दिया ना, घर से निकाल के जाऊंगी, रोए चाहे गिर गिराए। मजाक बना के रखा है मेरा। ये छोरा छोरी पागल है क्या? ऐसे कोई दरवाजा खुला करके रहता है? ए छोरी, उठ। ए, किराया लेने आई हूँ मैं। ए छोरी, किराया लेने आई, तू आराम से सो रही। ये छोरी मर चुकी है। दोस्तों, हमारी इस कहानी में इतना ही। तब तक रहिए सतर्क और सावधान, और देखते रहें प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं तुम्हारे साथ धोखा किया था, मैंने एक लड़की की मदद की, फिर हम दोनों नजदीक आने लगे और फिर हमारे बीच रिलेशन हो गया। वो मुझे पुलिस में जाने की धमकी देती है, कहती है कि तुम्हारे पर रेप केस कर दूंगी। मार डालो उसको। पिछले 2-3 महीना से देख रही हूँ, रूम का किराया बहुत लेट दे रहा है। 5 तारीख के जगह आज 10 तारीख हो गए। अब आगे से ऐसा ना चलेगा। ए छोरी, किराया लेने आई, तू आराम से सो रही। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। कौन छोरी? ओ, छोरी। अरे, आपके कमरे में? मेरे कमरे में छोरी मर गए। अरे नहीं चौटाला मैडम, आपको गलत फहमी हुई है। छोरी सो रही होगी, आपको लगा मर गई। चलो हम चल के देख। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। चलो देखते क्या बात है। कैसे हुआ? किसने मारा? हाँ, तो पुलिस केस है। तो कैसे मरी? मुझे तो लगता है आत्महत्या किया। बेचारी चौटाला मैडम पॉकेट में फंस गई। चौटाला मैडम कैसे फंस गई? तो कमरा तो मैडम का है, क्रियादारी मरी पड़ी है। किराया लेने आई, बहुत गुस्से में थी मैं। मैंने सोचा था आज किराया नहीं देगी तो मैं कमरा खाली करा दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता छोरी मरी हुई मिलेगी। डॉक्टर रही है मैं, हम आपकी तरफ से गवाही देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें।
किराया लेने आई थी। अगर किराया नहीं देती तो मैं उसका जान थोड़ी ना ले लेती। पर मुझे क्या पता था कि छोरी जहर पी के अपनी जान दे देगी। अरे कोई पुलिस को तो बुलाओ। हाँ हेलो, इंस्पेक्टर रॉय स्पीकिंग। कब, कहाँ? अच्छा अपना एड्रेस बोलिए। हाँ हाँ, हम अभी पहुँचते हैं। ए बढ़ो। किसी ने कोई सामान टच तो नहीं किया? किसी ने कोई सामान हाथ तो नहीं लगाया? दीम। यस सर। इन सबको बाहर जाके का बयान दो। ओके। और किसी को जाने मत देना। जी सर। आइए आप बाहर आइए। किसकी छोरी है? इसका मतलब आप यहाँ की मालकिन है, मकान मालकिन है। आप रुकिए, क्या नाम क्या है आपका? दीपा चौटाला। तो चौटाला मैडम, इस लड़की का आईडी प्रूफ तो होगा आपके पास? नहीं सर। इस लड़की का आईडी प्रूफ नहीं है आपके पास? क्यों, रूम किराए पर देते समय आपने आईडी प्रूफ नहीं लिया इसका? क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि जिस लड़के के साथ मैं रहती थी उसको मैं जानती हूँ सर। ये शादीशुदा है? नहीं सर, लेकिन बहुत जल्दी ये दोनों शादी करने वाले थे। लड़का कौन? उसका आईडी प्रूफ। लड़का कौन है? सूरज सर, सूरज। उसका आईडी प्रूफ मेरे पास नहीं है। कैसी हैं आप अपना मकान किराए पर दे देती हैं और किसी का आईडी प्रूफ नहीं रखती? आपको मालूम है आप कितनी बड़ी गलती करती हैं? उसका कोई फोन नंबर है? जी सर, फोन नंबर। इसका नंबर लेके सूरज को फोन कीजिए। 90 22 79 42 11। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या मतलब छोरी का मर्डर सूरज ने किया? इस छोरी का नाम क्या बताया आपने? कंगना। पूरा नाम बोलिए सरनेम के साथ। कंगना भट्टाचार्य। हाँ हाँ, वही बंगालम थी छोरी। और सूरज? उसका तो मैं नहीं जानती सर। मालूम नहीं सर, आखिर तो मालूम क्या है आपको? बोल रहा पवन। यस सर। इस कमरे की बारीकी से जांच। बहुत चालाक लगता है सर। वो सिर्फ चालाक नहीं, चातिर भी है। थैंक यू सर, मैंने फिंगरप्रिंट्स उठा लिए। अब आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं। कोई जानकारी है आपको? कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे हम उस तक पहुंच सके? पवन सिंह। यस सर। इस कमरे की एक बार फिर से तलाशी लो, शायद देखो कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें दूरस्थ तक पहुंचा सके। मैडम, जी सूरज। जी सर। ये सर। काम हो गया। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी और इस रूम को सील करो। ओके सर।
आप भी बाहर निकलिए। चलिए पवन। यस सर। ये चाय वाले से आगे पता करो, ड्राइवर और मजदूरों के बारे में अच्छी जानकारी होती है, ये लोग इलाके के अच्छे मजदूर होते हैं, पता करो। अरे आओ साहब, चलेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसे जानते हो? अरे हाँ साहब, ये तो अपना आमिर खान है, इसे कौन नहीं जानता है, बहुत मस्त बंदा है साहब, ये तो कल ही आया था। कल? अरे सॉरी, माफ करना साहब, कल नहीं, परसों, परसों आया था। भीम। यस सर। चाय वाले को बुला के ले। चल। कहाँ? सर बुला रहे हैं। अरे लेकिन मैं डर मत, वो फोटो के बारे में पूछेंगे। नमस्ते साहब। सर इसको जानकारी है सूरज के बारे में? सर सूरज कहाँ मिलेगा? अब जानकारी तो है लेकिन कहाँ मिलेगा ये मुझे नहीं। तो कोई फोन नंबर? हाँ सर, दो तीन नंबर है मेरे पास। इसका नाम सूरज है और तू इसको आमिर कह रहा है? आप आमिर खान साहब का बहुत बड़ा फैन है, वो उसके ऑटो पे पूरा आमिर खान साहब का फोटो लगा हुआ है और कहता है कि वो कई सारे फिल्म प्रोड्यूसरों से जान पहचान है उसकी। अच्छा, काफी ऊंची पहुंच वाला है। चल नंबर दे। साहब एक बात पूछूं क्या, उसका कोई लड़की उड़की का चक्कर तो नहीं है साहब? तो उसकी जान पहचान वाली लड़की को जानता है? लड़की नहीं साहब, लड़कियों को। लड़की पटाने में तो इस राजधानी एक्सप्रेस से ज्यादा स्पीड थी उसकी, करीब 10 दिन से एक नई लड़की लेके घूम रहा था। उसके पहले? उसके पहले एक बंगालन लड़की को लेके घूम रहा था, तब नाम नहीं याद आ रहा। इस लड़की को जानता है? हाँ साहब बिल्कुल यही, लेकिन अब इस लड़की को लेके नहीं आता है। इसे कैसे लेके आएगा? क्यों साहब? इसका तो अब मर्डर हो चुका है। मर्डर? किसने किया साहब? सूरज ने। उसके साथ मिला हुआ तो नहीं है? अरे नहीं साहब, मैं गरीब आदमी, छोटी सी दुकान है मेरी साहब, अगर हम ये सब काम करेंगे तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। जसंतराव दिस साइड। सर कंगना भट्टाचार्य मर्डर केस का जो मुख्य आरोपी सूरज है उसके सारे मोबाइल नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं, आप इन नंबर्स को सर्विलांस पर रखिए। फॉरवर्ड कर रहा हूं सर। कंगना को तूने भी मारा है ना, तू भी शामिल है ना? बोल। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। ये सब क्या? पुलिस स्टेशन चल, सब पता चल जाएगा तुझे। अभी मैंने क्या किया? ये तो तेरे को वही चल के पता चलेगा कि तूने किया क्या है। सूरज? मैं सूरज नहीं हूँ। कौन है तू? मेरा नाम विनोद है। जी सर, इनका नाम विनोद है। और तेरा? पारुल। ये विनोद है और तू पारुल है। पवन। यस सर। ये कौन? ये तो हाँ हाँ, ये तो क्या, आगे बोल। ये तो विनोद का फोटो है। हाँ तू भी देख ले, तू ये कोई और है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने किया क्या है? अरे थाने ले आके इतना ठोकूंगा ना कि नानी याद आ जाएगी, सब जो तूने किया ना सब याद आ जाएगा। ले चल इसे अंदर लेके आ। दोनों हाथ मत लगाना। ओ सती सावित्री, हाथ लगाने से तू क्या अपवित्र हो जाएगी? सीधे से चल, नहीं तो ऐसा हाथ लगाऊंगी कि चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। चल।
रुक गया ये ऐसे नहीं बोलेगा। बोल, कंगना को तूने भी मारा है ना? मारा है ना तूने कंगना को? तू भी शामिल है ना? बोल। उधर उधर तेरी माशूका की खातिरदारी हो रही है और यहां तेरी। तुझे सूरज कहूं या विनोद? हो सकता तेरे दो चार नाम और भी हैं। वो तो तभी पता चलेगा जब तू मुंह खोलेगा। पर जब तक तू मुंह नहीं खोलेगा ना, पुलिस का डंडा बोलता रहेगा, बोलेगा। प्रोग्राम चालू रख। नहीं, मत मारो, सब बताता हूँ। रुक जा। भीम सिंह। जी सर। बयान दर्ज करो। जी सर। हाँ। शुरू कर अपनी प्रेम कहानी। अगर बीच में कहीं भी तू झूठ बोला तो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहेगा, समझा? चल बता नाम पता और छोरी के मर्डर तक। सर, मेरा असली नाम गिरीश कुमार है। ये तेरा तीसरा नाम है। और कोई नाम हो तो वो भी बता दे। नहीं सर, ये मेरा असली नाम है। मैं नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ और पारुल मेरा सच्चा प्यार है। कंगना तो मतलब ही थी, उसकी जरूरतें ज्यादा थी। और तूने उसे जान से मार दिया? नहीं सर, कई दिनों तक उसकी फरमाइशें पूरी करता रहा, लेकिन पारुल मेरा सच्चा प्यार है। पारुल और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं सर, और कंगना उसकी फरमाइशें पूरी करते करते मैं तंग आ गया था। तो ये बात तू डायरेक्ट भी तो बोल सकता था। कहा, कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लेकिन क्या? वो हमेशा लड़ने झगड़ने लगती थी, पुलिस की धमकी देती थी। पुलिस के चक्कर में मैं उसकी सारी बात मान लेता था। उसका टॉर्चर मैं कब तक सहता सर? मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। उसके चक्कर में मैं अपने असली प्यार से जुदा ना हो जाऊं, इसलिए मैंने पारुल को अपनी सारी सच्चाई बता दी। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है पारुल। धोखा? हाँ पारुल। कैसा धोखा? मैंने एक लड़की की मदद की, उसकी माँ बीमार थी, उसके पास पैसे नहीं थे भेजने के लिए, तो मैंने अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए। ओ, तो तुमको ये टेंशन है? ये तो अच्छी बात है ना, तुमने किसी की हेल्प की। ओ, उसने पैसे रिटर्न नहीं किए, इस बात की टेंशन है तुम्हें? बात ये नहीं है पारुल, बात दरअसल शायद तुम मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ही बताना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे डर रहे हो? उस लड़की ने मेरा ऑटो मंथली बेसिस पे हायर किया, फिर हम धीरे धीरे करीब आने लगे। क्या? कभी तो नहीं बता रहा था। अच्छा ठीक है, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, तुम बताओ। फिर हम दोनों नजदीक आने लगे और फिर हमारे बीच रिलेशन हो गया। मैं जानता था तुम नाराज हो जाओगे। तुम नाराज होने को कह रहे हो? मुझे वो चुड़ैल मिल जाए तो उसका गला घोट दूंगी। मेरी एक गलती मेरी परेशानी का कारण बन गई है पारुल। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो मुझे पुलिस में जाने की धमकी देती है, ब्लैकमेल करती है, कहती है कि तुम्हारे पर रेप केस कर दूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना पारुल। मार डालो उसको, चुड़ैल मेरे हक पे डाका डाल रही। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हिस्सा खत्म कर दो उसका। शाम को मिल। उसी का फोन है। हेलो कंगना, कहाँ पर हो तुम? इतने कमीने इंसान हो सूरज, तुम्हारे जैसा कमीना इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, और अब तुम पैसों के लिए मुझसे बहानेबाजी कर रहे हो। तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा के रहूंगी मैं। सारे सबूत मेरे पास है, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। याद रखना, कंगना भट्टाचार्य नाम है मेरा।
रस्सी रस्सी रस्सी। सूरज जेल में था, लेकिन क्या उसके इन गुनाहों की ये सजा काफी है? इस कहानी में आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। कंगना ने फोन पे मुझे बर्बाद करने की धमकी दी। मुझे लगा कि अगर सचमुच पुलिस के पास चली गई तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मोबाइल का स्पीकर ऑन करने से पारुल भी ये सारी बातें जान गई। पारुल तो जान गई, फिर तूने क्या किया? सारी पर्देदारी खत्म हो गई तो मैंने मन ही मन कंगना को मार डालने का प्लान बनाया, और इस प्लान में पारुल ने मेरा पूरा सहयोग किया। क्या? कंगना के मर्डर में तेरी गर्लफ्रेंड का भी हाथ है? इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर कंगना का मर्डर किया? कैसे? कंगना के फोन के बाद मैंने और पारुल ने साथ बैठकर प्लान बनाया। 11:20 हो गए और सूरज अभी तक नहीं आया। अगर आज वो प्रोड्यूसर को लेकर नहीं आया तो लगता है वो लोग आ गए। अरे आइए ना, आइए। वी आर 30 मिनट्स लेट। इट्स ओके मैम। फिल्मी लोग तो अक्सर। मिस्टर सूरज, सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं टाइम की बहुत पंचुअल हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गई। अरे कंगना, कुछ चाय कॉफी तो पूछ लो। ओह, मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई। आप चाय लेंगी या कॉफी? नो थैंक्स। नहीं, आपको कुछ तो लेना ही होगा। खाना रेडी है, वो हम थोड़ी देर में खाते हैं। उससे पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। सूरज, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स है, तुम वो ले आओ। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो चलेगी ना मैम? मैम, आपने मेरे लिए कौन सा रोल चुना है? वो कोई लीड रोल है या फिर? मेन लीड तो नहीं है, पर जो आपके लिए रोल डिसाइड किया है थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, ये मेरी गारंटी है। सच? थैंक यू सो मच मैम। कंगना जी, सूरज ने जिस तरह के रोल की रिक्वेस्ट की है आपके लिए, उसे देख के तो यही लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओह शिट, सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। रस्सी रस्सी रस्सी। इसलिए तो मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट ऑप्शन फेल हो जाए तो सेकंड ऑप्शन से सक्सेस हो जाएगा, इसलिए तो ये टेप और रस्सी खरीदी थी। दोस्तों, क्रोध की पराकाष्ठा होने पर एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है, लेकिन हमारी इस कहानी में सूरज ने इंसान के साथ साथ इंसानियत का भी कत्ल कर दिया। कंगना ने जिसके साथ अपने सुंदर जीवन जीने का सपना संजोया, उसी सूरज के हाथों उसकी जिंदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। कंगना ने जिस सूरज पर विश्वास किया, उसी सूरज ने उसके विश्वास को मिट्टी के घरौंदे की तरह तोड़कर बिखेर दिया, और उसके नसीब में आई सिर्फ और सिर्फ मौत। बाहर निकल नागिन, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाहर छोड़ मेरे।
आज तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं नीलू। ये तुमने क्या किया सूरज, इसको मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान के हमारे इस कहानी दगाबाज के इस भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंगना को उसके प्यार और विश्वास के बदले सिर्फ मौत मिली, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। सूरज उर्फ विनोद उर्फ गिरीश कुमार के प्यार के इस नाटक का अंत तो हुआ, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। मीनू ने जीना हराम कर रखा था मेरे विनोद का, अब मर। ऐसे नहीं मरेगी ये। तो गिरा दी, सारा मिला दिया था तुमने? नहीं नहीं, आधा बचा है। कोल्ड ड्रिंक ना हो तो पानी में डाल के पिला दो। नहीं पारुल, इसके मुंह से टेप निकाला तो ये चिल्ला देगी और हम पकड़े जाएंगे, इसलिए इसकी मौत फर्स्ट ऑप्शन से नहीं सेकंड ऑप्शन से होगी। पुलिस में जाएगी, मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी, हाँ तलाकों के पीछे पहुंचाएगी मुझे। मैं सूरज नहीं, विनोद हूँ, विनोद पारुल का विनोद। चलो चलते। नहीं नहीं रुको रुको रुको, हमारे जाने के बाद अगर बच गई तो हम मर जाएंगे, इसकी मौत तक रुको। इस वारदात को अंजाम देने वाला तू अकेला नहीं है, तेरी लवर भी बराबर की हकदार है, वो भी उतनी गुनाहगार है जितना तू। ये सच है सर, लेकिन ये भी सच है कि मैं उसे जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन अपने को बचाने के चक्कर में मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम लोगों ने ये मर्डर होश हवास में किया है, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यस सर, इन दोनों ने बड़े ही इत्मीनान से ये मर्डर किया है और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया ऐसा। और इसने भी, लेकिन एक बात तो कहूंगा, सूरज उर्फ विनोद कुमार उर्फ गिरीश कुमार, तूने कंगना का मर्डर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया, एक प्लानिंग फेल हो जाए तो दूसरी सक्सेस हो जाए, और हुआ भी, लेकिन अफसोस तो फिर भी कानून के शिकंजे में फंस गया। पवन। यस सर। चार्जशीट तैयार करके इनका चालान करो, बाकी का काम अदालत देखेगी। चलो सर। हरदोई से शिवराज नाम के आदमी आए हुए हैं और साथ में उनकी वाइफ भी हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। हाँ जी कहिए। सर मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, मेरी बेटी यहाँ पे जॉब करती है, पिछले 7-8 महीने से हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है सर, उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाना है सर, मुझे शक है कि उसके साथ कुछ
जरूर कुछ अनहोनी हुई है। शिवराज जी, पॉइंट की बात यह है कि 7-8 महीने से आपने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। उससे भी बड़ा पॉइंट यह है कि रिपोर्ट आज लिखाने आया। सर, मेरी बेटी नीलू नौकरी करना चाहती थी, पर हम दोनों पति पत्नी चाहते थे कि वो नौकरी ना करे, पर उसने हमारी बात नहीं मानी। वो हमें छोड़कर यहाँ चली आई और नौकरी करने लगी। तो जॉब करना कोई जुर्म तो नहीं है? सर प्लीज, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। बताइए। कुछ दिन तक हमने उसे वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानी नहीं, वो राजी नहीं हुई। और एक दिन अचानक उसका फोन आया कि किसी गिरीश नाम के लड़के के साथ में वो प्यार करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है। तो शादी के लिए आप लोगों ने मंजूरी नहीं दी? नहीं सर, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? उस लड़के से नीलू ने हमारी बात करवाई थी और मिलवाने को कहा था। बातचीत में वो लड़का मुझे अच्छा लगा और हमने हामी भर दी। रोको गिरीश, मम्मी का फोन लग गया। हेलो मम्मी। हाँ नीलू बेटा। मैं ऑफिस से रूम पे जा रही हूँ, आपकी और पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, आराम से है। मैं भी ठीक हूँ मम्मी, मैं गिरीश को जल्दी ही आपसे मिलवाने लेकर आऊंगी। मम्मी, गिरीश से बात करूंगी। हाँ हाँ, देना फोन। लो बात करो ना। मैं क्या बात करूँ? अरे बात करो ना, इतना क्यों डरते हो तुम? अच्छा, हेलो मम्मी जी, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और कब आ रहे हो मिलने के लिए? जल्दी आऊंगा मम्मी जी, बहुत जल्द। लो तुम ही बात करो। अरे यार बात करो ना। मैं क्या बात करूँ? वो शादी की बात करनी चाहिए थी ना, तुम भी ना एकदम बुद्धू हो। हेलो। अरे नीलू, तूने फोन ले लिया? मैं तो गिरीश से बात कर रही थी। हाँ मम्मी, ये थोड़ा सा ना शर्मीले हैं, अब मैं क्या करूँ। अच्छा सुनो ना, गिरीश कैसे लगे आपको? बातों से तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तू जल्दी से घर ले आ, मैं और पापा मिलना चाहते हैं। हाँ मैं जल्दी ही मिलवाने लाऊंगी मैं। अच्छा सुनो ना, बात पक्की समझू मैं? हाँ पक्की बेटा, बात पक्की। और पापा? पापा की तू चिंता मत कर, मैं पापा को समझा लूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? गिरीश के साथ शादी कराने की हामी के साथ साथ मैंने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? यही कि वो शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। इस बात पर नीलू ने चुप्पी साध ली। तब मैंने उसे फोन पे कहा कि तुम नौकरी छोड़ के जल्द से जल्द घर पे आ जाओ, वरना हम सब आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। दिमागी तौर पे उस पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के हम अपनी बेटी को वापस बुलाना चाहते थे, ताकि उसकी नौकरी छूटे और वापस हमारे पास चले आए। कुछ दिन तक हमने उसके फोन का इंतजार किया और मन को तसल्ली देते रहे कि एक ना एक दिन हमारी बात मान जाएगी और हमारे पास वापस आएगी, लेकिन वो नहीं मानी। वही तो बात है सर। बेवकूफ हैं आप लोग। जी जी, बेवकूफी नहीं तो और क्या है। 8 महीने से आपकी अपनी बेटी से बातचीत नहीं हुई और आप निश्चिंत होकर घर पे बैठे हैं, आज यहाँ पर आए। नहीं सर, पिछले 2 महीने से उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मेरी वाइफ परेशान होकर बोली कि अगर वो फोन नहीं कर रहे तो आप तो कर लो। तो भी आपने फोन नहीं किया? किया सर, पर हर बार स्विच ऑफ। तो कुछ दिन मैं ये सोचकर चुप हो गया कि शायद नंबर मिस हुआ होगा। गरीब आदमी भी नया फोन ले लेता है 2-3 महीने में और फिर उस नंबर की सिम को एक्टिवेट करा लेता है। आप ये तो सोच सकते थे। आपके पास कोई फोटो है उसका? हाँ है ना सर, लीजिए सर। और उस लड़के का फोटो है जिससे प्यार करती थी? फोटो? तो फिर मोबाइल नंबर भी नहीं होगा उसका? हाँ सर, मोबाइल नंबर भी है और फोटो भी है। नीलू ने डाकघर से गिरीश का फोटो मुझे भेजा था। सर भीम सिंह? यस सर। क्या नाम बताया आपने उस लड़के का? हाँ गिरीश का नंबर ले। जी। लड़की का फोटो तो उस लड़की से काफी मिल रहा है जो 8 महीने पहले जिसकी डेड बॉडी मिली थी और जिसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। डेड बॉडी? शिनाख्त? हाँ सर, मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है। एक काम करो, ये पुलिस रिकॉर्ड्स में जाके इन फोटो को मैच करो। जी सर। शिनाख्त का क्या मतलब है सर? अगर ये आपकी बेटी है तो। ओके इंस्पेक्टर साहब, आप बोलते बोलते क्यों रुक गए? ये बेटी मर चुकी है। क्या? जी सच है, आपकी बेटी मर चुकी है।
शिवराज जी, अगर आपकी बेटी की डेड बॉडी के पास उसका मोबाइल मिल गया होता तो कातिल कब का पुलिस की गिरफ्त में आ चुका होता? हमने बहुत कोशिश किया उसे वापस बुलाने की सर, लेकिन शायद उसकी मौत ने उसे आने नहीं दिया। अरे अरे सब्र कीजिए शिवराज जी, आपका दिया हुआ फोटो और मोबाइल नंबर उसको जरूर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। अरे आप चिंता मत कीजिए। भीम सिंह। यस सर। वो नीलू और गिरीश की नंबर की डिटेल निकलवाओ। जी सर। और उनके फोटो की फोटोकॉपी करवा के सारे पुलिस स्टेशन में भेजो। ओके सर। ठीक है। और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता इनकी सरकारी आवास में रहने की व्यवस्था करो। ओके सर। चलिए सर। और हाँ, वो लड़के का फोटो कहाँ है? सर इस फाइल के अंदर है। ठीक है रख दो, जाओ। मैंने नीलू की हत्या की है। कंगना मर्डर केस में तू अंदर गया और वहीं दूसरे मर्डर की छानबीन के लिए रिमांड पर मैं तुझे बाहर। नीलू क्यों मारा तूने? कौन नीलू? कौन नीलू? वही जिससे तू शादी करने वाला था है? सर मैं कत्ल के जुर्म में जेल की सजा काट रहा हूँ और अब मेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी की बात नहीं कर रहा बेटा, पूछ रहा हूँ कि जिस नीलू से तू शादी करना चाहता था उसका मर्डर क्यों कर दिया? सर एक तरफ आप शादी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके मर्डर की बात कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी समझ में नहीं आएगा बेटा, पर समझाना आता है हमें, समझा? भीम। यस सर। समझा इसको? आप कोई पूछताछ नहीं, ये पूछताछ करने वाली चीज नहीं है, बातों से समझेगा नहीं। भीम। मत मारो मुझे, मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। नीलू कौन थी सर, क्या थी, उसे किसने मारा, मुझे नहीं मालूम। ओके, आपको कुछ नहीं मालूम होगा सर, लेकिन मुझे मालूम है कि नीलू कौन थी, क्या थी और तूने क्या किया, समझा? तुम मुंह खोल। सर मैंने नीलू की हत्या की है। और हत्या कौन की तूने? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, नीलू बहुत अच्छी लड़की थी सर, वो बहुत घरेलू थी, लेकिन उसे मारना चाहता था सर। अच्छी थी फिर भी हत्या कर दी? हाँ सर, मैंने नीलू को मार दिया, उसने कभी पैसों की फरमाइश नहीं की, कभी परेशान नहीं किया, आंखें मूंद कर उसने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन फिर भी मैंने उसे मार दिया। डंडे पड़ने के बाद तुझे अपनी की हुई दगाबाजी याद आ रही है? हाँ सर, मैंने दगाबाजी की, मैं दगाबाज हूँ, नीलू के साथ साथ उसके विश्वास का भी हत्यारा हूँ। ऐसा क्यों किया? मजबूरी। तेरी कौन सी मजबूरी? कंगना मेरी मजबूरी थी, उसका प्यार मेरे लिए सरदर्द बन चुका था, उसे विश्वास था कि मैं उसे हीरोइन बनाऊंगा। हीरोइन? वे कंगना मर्डर केस बंद हो चुका है, उसकी लव स्टोरी अपने पास रख बेटा। तू तो ये बता, नीलू का मर्डर तूने क्यों? नीलू की हत्या का कारण कंगना से जुड़ा हुआ है सर, कंगना समझती थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि नीलू मुझे अपना लवर समझती थी। गुड, वेरी गुड। एक दो नहीं, तीन तीन लवर है? दो का तो मर्डर कर दिया और तीसरी के साथ जेल है? डेली रूटीन में नीलू को छोड़कर मैं कंगना को छोड़ने जाता था, एक दिन नीलू को तैयारी होने में देरी हो गई
तो मैंने कहा दूसरा ऑटो लेके चले जाना, क्योंकि मुझे अपने अर्जेंट सवारी लेकर जाना है। ए, टाइम मत वेस्ट, सीधे मुद्दे पे। वही तो बता रहा हूँ सर, मैं सवारी का बहाना बनाकर वहां से निकला तो पता नहीं नीलू को शक हो गया तो वो दूसरे ऑटो में मेरा पीछा करने लगी और मेरे रूम तक आ पहुंची। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब सारा खाना तुम्हें ही खाना होगा। खा लूंगा बाबा, लेकिन तुम्हें भी एक दो निवाला मेरे हाथ से खाना होगा। सुनो, एक दो निवाला क्या, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ से खा सकती हूँ सूरज। बस तुम मेरा एक काम कैसे भी करके करा दो। कौन सा काम? मेरा बचपन का सपना, मैं सितारा बनके सिल्वर स्क्रीन पे चमकना चाहती हूँ। जब लोग मुझे देखे तो कहे वो देखो कंगना जा रही है, और लोग मेरी गाड़ी को रोक दें सिर्फ मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए। और तुम मुझे भी भूल जाओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है सूरज, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। आज रात मैं अपने रूम पे नहीं जाऊंगी। क्या क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन। लेकिन क्या? अगर किसी ने हम लोग एक साथ देख लिया, रात भर रहे हैं एक साथ, तो क्या सोचेंगे? गजब, जब तुम मेरे साथ मेरे कमरे पे रहते थे तो कोई कुछ नहीं सोचता था, अब आज अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे पे रहूंगी तो मैं यही रहूंगी। क्यों, कोई चक्कर है क्या? ऐसी बात नहीं है कंगना। तो फिर क्या बात है? वैसे एक बात कहूँ, सारी लड़कियों की एक ही बीमारी होती है। क्या? वो है शक की बीमारी। अरे तुम कहीं छुप जाओ जल्दी। लेकिन कहाँ? अरे कहीं पे भी छुप जाओ। कहाँ छुपूं? जाओ जल्दी जल्दी। अरे भाई आ रहा हूं। अरे नीलू तुम, अरे नीलू कुछ तो बताओ, क्या बात है नीलू? अरे बताओ तुम। बोलने के लिए तुमने छोड़ा ही कहाँ है? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम मुझे इस तरह धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा नीलू, मैं तो तुम्हें। बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो गए तुम? बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और वो तुम्हारी दूसरी वाली को भी पता चल जाएगा, है ना? नहीं नीलू, तुम नीलू ये क्या है? हाँ ये तो तुम ये लेडीज सैंडल कब से पहनने लगे? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है नीलू। गलत फहमी? गलत फहमी तो पहले थी, अब नहीं है। मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ और वो इसी कमरे में छुपी हुई है। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। नीलू कहाँ है वो? नीलू तुम कहाँ है वो? बाहर निकल नागिन, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाल छोड़ मेरे, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नीलू तुम मर नहीं सकते। नीलू नहीं, नीलू मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नीलू नीलू नहीं, नीलू ये तुमने क्या किया सूरज, इसको मार दिया? नहीं, मैं तो तुम्हें बचाने के लिए। नीलू आंखें खोलो, नीलू नीलू आंखें खोलो, तुम मर नहीं सकती। नीलू ये मर चुकी है सूरज। अब क्या होगा कंगना, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, मेरे हाथ पैर तोड़ देगी। जो होना था हो चुका, ये मर चुकी है, कुछ सोचो। मैं क्या सोचूं, मेरे सामने तो फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है। मैं मरना नहीं चाहता कंगना, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो। सूरज अगर हम इस लाश को ठिकाने लगा दें तो हम बच सकते हैं। कैसे? रात है और किसी को मालूम भी नहीं है इस कमरे में क्या हुआ है। हम इसे बाहर लेके जाके इसे कहीं फेंक देते हैं।
और पुलिस से भी बच जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, अगर हमने लाश बाहर फेंक दी तो पुलिस को तुरंत मिल जाएगी, कोई दूसरा आइडिया सोचो। तो फिर अब क्या करें सूरज, तुम ही कुछ सोचो ना। बता दो, पहले इसे रिक्शा तक ले चलते हैं। लेकिन कैसे लेकर जाएंगे रिक्शे तक? क्यों? इसके सर से खून निकल रहा है और रिक्शे तक खून बहता जाएगा। इसका खून गिरना कैसे बंद करें? सोचो सूरज। सामने से वो पॉलिथीन वो कपड़ा ले आओ, इसके सिर पे बांध देंगे और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो ये बोल देंगे कि सर में दर्द था इसलिए चुनरी ओढ़ रखी। हाँ, मैं ले आती हूँ। अरे तू इंसान नहीं है, मौन है, मौन। सुन ले। तेरे को तो फांसी नहीं, उससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, समझता क्या? अबे मेरे हाथ कानून से बंधे हुए नहीं होते ना, तो यही तेरे को गाड़ देता मैं, यही इधर ही तेरा गला दबा देता। जी तो चाहता यही निपटा दूं तेरी टैटू दबा दूं, समझे? लेकिन कानून से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। दोस्तों जिंदगी और मौत का ये खूनी खेल कब तक चलता रहता, न जाने नीलू जैसी कितनी लड़कियां प्यार की बलि वेदी पर इसी तरीके से बलिदान होती रहती। अगर सूरज उर्फ गिरीश कुमार उर्फ विनोद जेल नहीं जाता, उसकी नजर में कोई और लड़की नहीं आती, तो शायद वो पारुल को भी मौत के घाट उतार देता। दोस्तों प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार में दगाबाजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसे प्यार करने वालों से रहिए सावधान और देखते रहिए प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी से इजाजत लेता हूं, एक नई कहानी के साथ वापस आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।